टॉप 10 कॉलेज फॉर कॉमर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। हाँ मेरे दोस्तों, आज मैं 10 कॉलेज के बारे में बताऊंगा और टॉप रैंकर पे टॉप ले लीजिए, जहाँ पे आप बेसबुक, टॉप स्कूल्स, टॉप कॉलेज, टॉप कोचिंग्स, करियर से रिलेटेड कोई वीडियो आप देख सकते हो। और कम्युनिटी टैब पे लाइव वोटिंग चल रही है, वहाँ पे आप वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो और रिजल्ट भी देख सकते हो। मेरे दोस्तों, यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन देते हैं, कोई एडवाइस नहीं देते हैं, और आशा करते हैं कि हमारा सा छोटा सा एफर्ट आपके लिए, आपके डिसीजन में हेल्पफुल होगा। तो 10th पोजीशन पे जो कॉलेज है वो है शहीद भगत सिंह कॉलेज, और यह कॉलेज न्यू दिल्ली में पड़ता है, जो कि डीयू से एसोसिएटेड है, एफिलिएटेड है, और 1967 में इस कॉलेज की स्थापना हुई थी। और यहाँ से पढ़ने वालों में सिद्धार्थ मल्होत्रा, भुवन बैम जो कि यूट्यूबर है, और गौतम रोड़े, अनुप्रिया और सुजीत सरकार पढ़ाई किए हैं। और यहाँ से जो शिक्षा ने 4.1 आउट ऑफ 5 रेटिंग दिया है। 9th पे जो पोजीशन, जिस कॉलेज का पोजीशन है वो है इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमन, और यह सिविल लाइन दिल्ली में पड़ता है, ये भी डीयू से एसोसिएट एफिलिएटेड है। 1924 में इस कॉलेज की स्थापना हुई थी, और यहाँ से पढ़ने वालों में मीरा कुमार, अंबिका सोनी, सुचेता कृपलानी और अरुंधति बिरमानी। मीरा कुमार को कौन नहीं जानता है, कांग्रेस की बड़ी दिग्गज लीडर है। और 8th पोजीशन पे रामजस कॉलेज, और यह जो है न्यू दिल्ली में पड़ता है। 1917 में इस कॉलेज की स्थापना हुई थी, केदारनाथ राय जो कि कॉलेज की स्थापना किए थे, और जो है फाउंडर थे बेसिकली प्रकाश झा, मनोज वाजपेयी और पेपोन और राजकुमार गुप्ता, यहाँ से पढ़ाई कर चुके हैं। मनोज वाजपेयी जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, बड़े एक्टर हैं। 7th पोजीशन पे जो है जेसस एंड मैरी कॉलेज, जिसको हम शॉर्ट में जेएमसी भी बोलते हैं, और यह कॉलेज न्यू दिल्ली में 1968 में इस कॉलेज की स्थापना हुई थी, और यह एक गवर्नमेंट कॉलेज है। और यहाँ से पढ़ाई करने वालों में प्रियंका गांधी, अंबिका आनंद और राकुल प्रीत सिंह और अंकिता शोरी जो कि और प्रियंका गांधी जो कि कांग्रेस की बड़ी लीडर हैं। 6th पोजीशन पे जो कॉलेज का नाम आता है वो कॉलेज है श्री वेंकटेश्वरिया कॉलेज, और यह धौलाकुआ के न्यू दिल्ली में पड़ता है और डीयू से अफिलियेटेड है। 1961 में इस कॉलेज की स्थापना हुई थी। अब मेरे दोस्तों, यहाँ से पढ़ाई करने वालों में श्रीति झा और वरुण सूद, ऋषभ पंत और मोना वासु हैं। ऋषभ पंत एक बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, और धोनी के बाद लगता है कि यही बड़े विकेट कीपर बनेंगे। 5th पोजीशन पे श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जिसको एसजीजी एससीसी बोलते हैं शॉर्ट में, और यह कॉलेज की रैंकिंग देख रेटिंग देखे तो 4.3 आउट ऑफ 5 शिक्षा ने दिया है, और कॉलेज दुनिया ने 4 आउट ऑफ 5 दिया है। लोकेशन और कनेक्टिविटी इस कॉलेज की बहुत ही अच्छी है। 4th पोजीशन पे जो कॉलेज आता है वो हंसराज कॉलेज है, और यह जो है मलकागंज दिल्ली में पड़ता है। 1948 में इस कॉलेज की स्थापना हुई थी, और यहाँ पे वरीय सिस्टम की पढ़ाई होती है, और यहाँ से पढ़ने वालों में दिग्गज शाहरुख खान, अनुराग कश्यप, नवीन जिंदल और चाइनी आहूजा, जो कि शाहरुख खान को कौन नहीं जानता, अनुराग कश्यप बड़े डायरेक्टर हैं। और 3rd पोजीशन पे जो कॉलेज है वो है हिंदू कॉलेज, जो कि न्यू दिल्ली में पड़ता है, और 1899 1899 में इस कॉलेज की स्थापना हुई थी। और मेरे दोस्तों, यहाँ से पढ़ाई करने वालों में अर्जुन रामपाल, विशाल भारद्वाज, इम्तियाज अली और मनोज कुमार, मनोज कुमार जो कि अपने अपने इलाके बहुत बड़े एक्टर थे। और 2nd पोजीशन पे जो कॉलेज है उस कॉलेज का नाम है लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमन, और यह कॉलेज जो है न्यू दिल्ली में पड़ता है, ग्रेटर कैलाश के पास, और 19 बल्कि ग्रेटर कैलाश पे ही है। और यहाँ से पढ़ाई करने वालों में विनीता बाली, ओंग शॉन सू की, अगर मैं नाम गलत पढ़ा तो क्षमा मांगता हूँ, निधि राजदान और मेनका गांधी ने पढ़ाई की है। और नंबर 1 पे अगर जो कॉलेज है वो बहुत ही अच्छा कॉलेज है और सबका ड्रीम होता है इस कॉलेज से पढ़ाई करना, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। 1926 में इस कॉलेज की स्थापना हुई थी, लाला श्री राम ने इसकी स्थापना की थी। और यहाँ से पढ़ाई करने वालों में अरुण जेटली, राकेश, ओम प्रकाश मेहरा, गुलशन ग्रोवर और अंशु जैन है, जो कि अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, बीजेपी के बड़े दिग्गज लीडर हैं। और मेरे दोस्तों, अगर आपको वीडियो में और कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, और मेरे दोस्तों वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना तो कमेंट सेक्शन का सहारा ले सकते हैं, और बेल का बटन जरूर दबा दें ताकि कोई भी वीडियो नया आए तो आपको पता चल जाए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।